रामनगर स्थित सरस्वती सभागार में पहल सेवा संस्थान के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानी पिंगला वेंकैया की 146वीं जयंती के उपलक्ष्य पर तिरंगा उत्सव और देशभक्ति संगीत का आयोजन करवाया। उन्होंने बताया कि तिरंगा की डिजाइन तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके बहुमूल्य योगदान के लिए हर घर तिरंगा जानकारी के बारे में बताया और बताया कि तिरंगे से शक्ति और प्रेरणा लेकर लोगों को राष्ट्र को प्रगति के लिए निरंतर काम करना चाहिए। कार्यक्रम संयोजक जितेंद्र कौशिक ने बताया कि पिंगला वेंकैया को सभागार में श्रद्धांजलि दी गई और तिरंगा उत्सव के दौरान ड्रॉइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने एक कमाई समूह से समाज सेवी गुरप्रीत सिंह और विशिष्ट अतिथि लोक गायक रमजान राणा रहे। रमजान राणा ने तिरंगे पर देशभक्ति गीत सुनाए। अध्यक्षता शिक्षाविद एनसी शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि बच्चे प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में बौद्धिक विकास होता है और पढ़ाई के साथ कला क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। सभागार में ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। प्रतियोगिता निर्णायक गुलशन चौधरी अनिल धानकर रहे। प्रतियोगिता में सीनियर ग्रुप में प्रथम तनीषा, द्वितीय रोहित, तृतीय हर्ष, जूनियर ग्रुप में प्रथम सुहाना गोयल, द्वितीय संध्या, तृतीय कोमल रही। कार्यक्रम में प्रवीण चौधरी, कुश कौशिक, सुमित शर्मा, शालिनी शर्मा, शिवानी चौधरी, मोनिका सिंह, दीप्ति जैन, दिव्यांशी अरोड़ा। पहल सेवा संस्थान के द्वारा आज तिरंगा का डिजाइन बनाने वाले पिंगलई साहब की जन्म जयंती मनाई गई, जिसमें बच्चों के द्वारा तिरंगे से जुड़े हुए केसरी सफेद हरा रंग के रंगों को लेकर विभिन्न आज़ादी के प्रतीक चिन्हों के साथ चित्र बनाए गए। और रमजान राणा गुरप्रीत जी ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। शिक्षाविद एनसी शर्मा जी ने अध्यक्षता की। हमारे भाई कार्यक्रम संयोजक जितेंद्र कौशिक जी ने बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की कथाएं सुनाई। और ऐसे आयोजन 15 अगस्त तक, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष है, पहल सेवा संस्थान करता रहेगा और सभी से आग्रह करेगा कि अपने बच्चों को इन कार्यक्रमों से जोड़ें।